मैं एक सुपर मॉडल हूँ, शायद आपने मुझे मैगजीन में देखा होगा या फिर किसी एड फिल्म में। राइट। हाँ सर, मैंने एड फिल्म में देखा है, लेकिन उस दिन भी मैंने इन्हें ही देखा था और मैं इन्हें देखकर बहुत खुश भी हुई थी। मैंने इनके साथ एक सेल्फी भी ली थी। आज मैं अपना फोन लाना भूल गई, वरना मैं आपको दिखाती। सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, आप मुझे ये दे दीजिए, मैं खुद जाके ट्राई करूंगी। एक मिनट, आर यू श्योर ये वही है जो आई थी यहाँ पे कुछ दिनों पहले? 100% मैम। उस दिन जो इनके साथ सर आए थे ना, उसके बाद कई बार आ चुके हैं, तो मैं उन्हें अच्छे से पहचानती हूँ। क्या बकवास किए जा रही हो कब से? मैंने कहा ना, मैं किसी लड़के के साथ यहाँ पे नहीं आई हूँ। दोनों तुम इस पर क्यों चला रही हो? अगर इसने तुम्हें देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? अभी अपसेट ना हो तो क्या करूँ? ये ऐसे लोग सेलिब्रिटीज के साथ सिर्फ बात करने के लिए ना पता नहीं क्या क्या बकवास किए जाते। नहीं मैम, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप ही आई थी, मेरे पास प्रूफ भी है। अच्छा, कैसे? जो इनके साथ सर आए थे ना, आप उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। अच्छा, कहाँ है वो? आइए मेरे साथ चलते। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। तनु इसे जानती है? हाँ भाई, तनु जानती है। क्यों तनु? मैं जानती हूँ। ये तो तुमसे पूछ रही। नहीं नहीं भाई, ये बोल रही है मैं जानती हूँ, assertive, बहुत अच्छे से जानती है। बोलो ना तनु। ओ यस, I'm really sorry, मैं भूल गई। या अब याद आ रहा, मैं आलिया के थ्रू मिली थी, मिस्टर निखिल सूद, राइट? निखिल सूद, that's me. वैसे भाई, he's a really nice guy. पता है मैं कब से कोशिश कर रही थी कि आप दोनों को मिलवाऊं, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला। वैसे उस दिन आपकी और तनु की संगीत सेरेमनी में भी मैंने इसे बुलाया था, लेकिन जो हुआ उसके बाद मिलवाने का मौका नहीं मिला। एंड नॉट जस्ट दैट, यू नो व्हाट, ही इज सच अ नाइस सोल। उसने मेरी इतनी मदद की है ना, कभी कभी आपके कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में अगर मैं फंस जाती थी, और तो और आपके कुछ एडवर्टाइजमेंट भी इसी ने दिलवाए। ही इज रियली गुड इन हिज जॉब। तो फिर इसे मुझसे मिलना चाहिए था ना, कम से कम थैंक्स बोलने का मौका तो मिल जाता। यही तो अच्छा नहीं लगता मुझे, शो बिजनेस में हूँ मगर शो ऑफ करना नहीं आता, अपना काम मुझे चुपचाप करना पसंद है। I'm impressed. पर मैम, अरे तुमने मुझे देखा होगा इनके साथ, पता है भाई उस दिन मैं शॉपिंग पे जा रही थी ना कुछ टाइम पहले, तो निखिल से बात हुई, वो बोल रहा अकेली क्यों जाती हूँ, मैं साथ में आता हूँ, है ना, तुमने हम दोनों को देखा होगा ना। बट नेवर माइंड, कोई बात नहीं। नाम क्या बताया था तुमने अपना? पल्लवी। पल्लवी, थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हारी गलती की वजह से भाई और निखिल मिल लिए, मैं कब से कोशिश कर रही थी। दैट्स ओके, तुम एक काम करो, अपना जाकर काम संभालो, वी विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स फ्रॉम हियर। ओके मैम। निखिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पासपोर्ट बनवाने आया था। पासपोर्ट? सॉरी, शॉपिंग मॉल है तो कपड़े खरीदने आया था, कपड़ों की दुकान है ना। You know, it's too funny. बहुत अच्छा मजाक था। वैसे निखिल, तुम कल शाम को क्या कर रहे हो? कल शाम को nothing. I'm free. Oh, perfect. भाई, if you don't mind, क्या मैं निखिल को कल के फंक्शन के लिए बुला सकती हूँ? आई मीन पूरा और प्रज्ञा की एंगेजमेंट हो रही है। Of course, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें तो आना ही चाहिए। I'm really surprised. प्रज्ञा और पूरब की एंगेजमेंट हो रही है। Well, that's a news. भाई ने तय किया है सब कुछ, और तो और सारी अरेंजमेंट भी भाई कर रहे हैं। He's just too good, isn't he? Perfect. तो कल तुम शाम को आ जाना, I'll text you the details. जरूर, मैं जरूर आऊंगा। और प्रज्ञा जी, congratulations. ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, ये पहनेंगे तो उन पर बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई करने के लिए कहती हूँ, अगर उन्हें अच्छी लगी तो ले लूंगी। वो,
डर गई? कितनी कमाल की बात है ना, तुम मेरे बारे में सोच रही थी और मुझे देखकर डर गई। पर डरो मत, मैं ही तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आई। पर आई हैव अ फीलिंग कि मुझसे थोड़ी गलती हो गई। क्या ना, तुम्हें तो वो मोहल्ले के जो रोड साइड वाली जो शॉप्स होती है ना तुम्हारी काइंड की, तुम्हें वहीं पर ही लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी शॉप में आके तो तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। आई मीन चीजें कम देख रही हो, प्राइस टैग ज्यादा देख रही हो। अरे पर डोंट यू वरी, तुम अपनी ड्रेस सेलेक्ट कर लो, क्योंकि पेमेंट तो भाई करने वाले हैं, और अगर कोई हेल्प चाहिए हो ना, आई विल हेल्प यू। तुम अपनी और अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प कर लो ना, वही बहुत होगा, वरना पता नहीं अब किस एक्सपर्ट फ्रेंड के साथ पकड़ी जाए। ओ डोंट यू वरी अबाउट हर, मैं हूं ना, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। अब वैसे कुछ ना होने से ज्यादा भाई तुम्हें बुला रहे हैं। कम ऑन प्रज्ञा, इतना शक करना भी अच्छी बात नहीं है। ट्रायल रूम में है, तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो ना जाओ। आई डोंट केयर। Yes, सब लोग अपनी पोजीशन पर चले गए, अब होगा असली ड्रामा। चलो मैं भी अपनी जगह पे चलती हूँ। Excuse me, आपने तनु को देखा? अभी तुम बाहर हो? तनु कहाँ हो तुम? अभी मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज अंदर आ जाओ। तनु मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम खुद ही कर लो ना। अभी तुम अंदर आओ तो सही। क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? भाई ने तुम्हें यहाँ बुलाया और खुद तनु के साथ अंदर चले गए, ये तो बहुत ही गलत किया। आई मीन तुम्हें यहाँ बुलाकर तनु के साथ ऐसे अंदर कमरे में, इसे गलत भी क्या किया? दोनों की शादी होने वाली है, एक दूसरे के साथ तो ऐसे कर ही सकते हैं ना, थोड़ा पास में जा सकते हैं, ट्रायल रूम के अंदर हो या कहीं पर भी हो। बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लगा रही हो यार प्रज्ञा, अब तो इस चीज की तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए ना। अब देखो ना, जब भाई की शादी तनु से होगी, तनु ही तो भाई के कमरे के अंदर होगी और तुम दरवाजे के बाहर ऐसे वेट कर रही होगी, इसमें बुरा लगाने वाली क्या बात है बताओ? मैं हमारे प्लान के मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया था, और अपनी ब्लाउज की जिप बंद करने के बहाने अभी को यहाँ बुलाया ताकि उसके करीब आ सकूं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक से बहुत परेशान हो गया, घबराने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे किसी और की बीवी को छू रहा है, और बाहर चला गया। You know what, तनु? तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, रोमांस करना तो छोड़ दी दो, मुझे तो डर है पता नहीं शादी के बाद क्या करोगी तुम। तनु ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ओके फाइन, चिल्लाओ मत और लड़ो मत, अभी फटाफट से चेंज करके बाहर चलो, पता चला प्रज्ञा ने जो काम तुमने नहीं किया वो खुद कर दिया। मानना पड़ेगा मेरी चॉइस फुगी से बेटर कोई नहीं चाहता। क्या कपड़े पसंद किए, अब जाके उसे दिखाता हूं, वो गई कहां है? फुगी, फुगी कौन है बदतमीज? सॉरी आंटी जी, ये फुगी कहां गई यार? यार ये चश्मिश को ढूंढने के लिए आप क्या मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा? ऐसे यूनिक कैरेक्टर्स के लिए कोई यूनिक ट्रायल रूम तो नहीं बनाया, शायद यहां होगी। फुगी तुम अंदर हो? हाँ कोई काम था? कुछ काम है तो तभी मिलोगी। नहीं आप मुझे ढूंढ रहे हैं इसलिए मैं पूछ रही थी। हाँ वो तुमने मुझे जो कपड़े दिए थे वो मैंने पहन लिए। अच्छा कैसा लग रहा है? क्यों खराब कपड़े चूज किए थे? नहीं नहीं मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे इसलिए। तो अच्छे थे तो अच्छे ही लगूंगा ना? नहीं मेरा मतलब है कि आपको कैसा लग रहा है? तुम फोन पर बात कर रही हो क्या? मुझसे बाहर आकर खुद ही देख लो ना कैसे लग रहा हूँ। नहीं नहीं मुझे पता है आप अच्छे ही लग रहे हूँ। क्यों दरवाजे में कहीं छेद है जहाँ से तुम मुझे देख सकती हो? हाँ कहाँ से? अपनी मन की आंखों से देख रही। क्यों जो चार आंखें तुम्हारे पास ऑलरेडी है वो कम पड़ गए थे जो मन की आंखों से भी देख रही हो तुम? नहीं ये आंखें सिर्फ आपके लिए, जिससे मैं कभी भी कहीं भी आपको देख सकती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।